काफ़ी यहाँ पर जानवर वगैरह आते रहते हैं, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, काफ़ी तरह तरह के जानवर इस बारगाह में आते रहते हैं। लेकिन हमने लोगों से सुना है, हमने लोगों से मालूम करा, हमें पता चला है कि इस बारगाह में काफ़ी तरह के जानवर तो आते हैं लेकिन उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और भी पेड़ है, यो भी ऐसा ही है, यो भी पापड़ी का ही है, यो भी पापड़ी का, यो भी हाँ, लेकिन इसमें करामात है बाबा की। ये जो कुआं है ये काफ़ी पुराना कुआं है और इसमें काफ़ी सारे पेड़ वगैरह आ गए हैं और इसमें अभी भी इस वक्त पानी मौजूद है। ऐसे बैठा जाएगा उसको और वो जिसका बाय होगी तो बाय हाथ में मिल जाएगा जाके। अच्छा, पेड़ से अपने आप मिल जाएगा जाके, मतलब वो पेड़ खींच लेगा। हाँ जी, बैठना पड़ता है 15 मिनट। 15 मिनट बैठना पड़ता है। 15 मिनट के लिए वो आदमी को खींचता चला जाता है अपने आप। अपना आप पूरा लेट जाएगा और पेड़ पर हाथ चढ़ने लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए हजरुल रहमो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हजरुल, आप देख रहे हैं हजरुल रहमो चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज्यारत करवाने वाला हजरत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की। और हजरत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ अगवानपुर यूपी उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों हजरत की क्या करामत है और हजरत की बारगाह में आप ज्यारत के लिए किस तरह से आएंगे, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी हम लोग इस वक्त हैं मौजूद अगवानपुर और अगवानपुर में ही है हजरत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता सीधा हजरत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है और अभी हम लोग इसी रास्ते से हजरत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज्यारत के लिए जाएंगे। और आज जो हमारे लिए दुआए खैर करेंगे वो अजहर भाई करेंगे। अजहर भाई हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो आइए हम चलते हैं हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में और आपको पूरे बारगाह की ज्यारत करवाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं, यहाँ का जो मंज़र है आप देख ही सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर जंगल है, जंगल ही जंगल है पूरा, आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। और हमें जो है इस रास्ते से जाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, इसी रास्ते से अभी हम लोग जाएंगे हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से काफ़ी घना जंगल है और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ जंगल होने की वजह से काफ़ी यहाँ पर जानवर वगैरह आते रहते हैं, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, काफ़ी तरह तरह के जानवर इस बारगाह में आते रहते हैं। लेकिन हमने लोगों से सुना है, हमने लोगों से मालूम करा, हमें पता चला है कि इस बारगाह में काफ़ी तरह के जानवर तो आते हैं लेकिन उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये हज़रत की करामत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मंज़र, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख ही सकते हैं इस तरफ भी पेड़ वगैरह है, इस तरफ भी पेड़ है, पूरा एकदम जंगल ही जंगल है, पूरा घना एकदम जंगल जंगल हो रहा है और उसके बीच में हम लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पेड़ काफ़ी पुराना पेड़ है। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे का क्या मंज़र है वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे भाई जो कि हमारे साथ में चल रहे हैं, क्योंकि अकेला यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं यहाँ का मंज़र। तो हमें यहाँ का रास्ता पता नहीं था, हमें यहाँ का रास्ता मालूम नहीं था, ये हमारे भाई चल रहे हैं हमारे साथ में, इनके ज़रिए से ही हम हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं, भाई के साथ में ही जा रहे हैं हम। तो आइए इंशाल्लाह आज हम आपको हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की, पूरे बारगाह की इंशाल्लाह ज़ियारत करवाएंगे और हज़रत की जो करामत है वो भी हम आपको बताएंगे, हज़रत की क्या क्या करामत है वो भी हम आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताएंगे। और हमारे लिए दुआए खैर अजहर भाई करेंगे दरगाह शरीफ में। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोस्तों ये आप मंज़र देख सकते हैं, काफ़ी ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं, आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से इस तरफ एक रास्ता गया लेकिन हमें इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है, आप देख सकते हैं। और रास्ते का जो मंज़र है वो तो आप देख ही सकते हैं, इनकी दरगाह 2000 साल पुरानी है, जैसे कि हमें भाई बता रहे हैं इनकी बारगाह जो है काफ़ी पुरानी बारगाह है। ये हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है वो काफ़ी पुरानी बारगाह है और हज़रत की बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। और इंशाल्लाह आज हम आपको पूरे बारगाह की ज़ियारत करवाएंगे। तो आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं, हमें किस तरह से चलना पड़ रहा है, जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग चल रहे हैं। आप मंज़र देख सकते हैं, ये पेड़ आप देख लीजिए, ये पेड़ तो काफ़ी पुराना पेड़ है, वो आप वीडियो के ज़रिए से देख ही सकते हैं, हमारे काफ़ी पुराना पेड़ है और किस हालात में है अभी आप देख सकते हैं। आगे कुआं है, क्या आगे कुआं है, बहुत पुराना कुआं। तो इंशाल्लाह दोस्तों अभी हम आगे चलेंगे, जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं कि आगे एक कुआं है, उनके साथ
अच्छा, ये जो कुआं है काफ़ी पुराना कुआं है, इंशाल्लाह हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का मंजर, देख लीजिए आप यहाँ का मंजर किस तरह का मंजर है। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये जो मंजर है ये हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के रास्ते का बिल्कुल करीब का मंजर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी पुराने पुराने पेड़ है, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप यहाँ पर देख लीजिए खजूर का पेड़ किस तरह से एकदम बिल्कुल एक पेड़ के अंदर से निकला हुआ है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा दूं करीब से, ये देख लीजिए आप, एक पेड़ के अंदर से ही एक पेड़ निकला हुआ है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी आगे की तरफ चलते हैं और आगे का क्या मंजर है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे अज़हर भाई अभी यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं क्योंकि अज़हर भाई जो है बाइक से आए हैं और हम पैदल। आइए, ये है वो कुआं जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपको एक काफ़ी साल पुराना कुआं दिखाएंगे, वो यही कुआं है आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। ये और ये जो कुआं है ये काफ़ी पुराना कुआं है और इसमें काफ़ी सारे पेड़ वगैरह आ गए हैं और इसमें अभी भी इस वक्त पानी मौजूद है। और आप जो है इस तरफ का मंज़र देख सकते हैं, काफ़ी जो है घने घने पेड़ है और पूरा ये जो है इलाका पूरा ये जंगल का इलाका है और जंगल का इलाका होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी तरह के जानवर आते हैं, सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, शेर वगैरह, ख़ास करके शेर वगैरह भी यहाँ पर आते हैं हज़रत की बारगाह में खिदमत करने के लिए। जैसे हमने यहाँ के लोगों से मालूम करा है, हमें पता चला है कि हज़रत की बारगाह में खिदमत करने के लिए, हज़रत की बारगाह में सलामी देने के लिए यहाँ पर शेर वगैरह भी आते हैं। तो आइए चलिए हम आपको हज़रत की बारगाह की ज़्यारत कराते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग दरगाह के बिल्कुल ही करीब में हैं, हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में हैं और इंशाल्लाह आज जैसा कि मैंने आपको बताया आज मैं आपको इंशाल्लाह पूरे बारगाह की ज़्यारत करवाऊंगा। तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया ना एक पेड़ में से दो पेड़ निकल रहे थे और वही मंज़र सेम मंज़र यहाँ पर भी है आप देख सकते हैं, इस एक पेड़ में से ऊपर जाके दूसरा पेड़ निकल रहा है आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से, इस एक पेड़ में से एक और पेड़ निकल रहा है। तो आइए चलते हैं हम बारगाह की तरफ और बारगाह की हम आपको ज़्यारत करवाते हैं। आइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोस्तों आप यहां से हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का गुम्बद मुबारक देख सकते हैं। ये हज़रत की बारगाह है, हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, ये आप हमारी वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं और इंशाअल्लाह आज हम आपको पूरे बारगाह की ज़्यारत करवाएंगे। और आज जो है हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआए खैर वो अज़हर भाई करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और जैसा कि हमने लोगों से मालूम करा है, हमें पता चला है ये बारगाह जो है काफ़ी पुरानी बारगाह है और जैसे हम आपको लेकर के आए हैं पूरा रास्ता दिखाते हुए, तो आपने देखा कि काफ़ी जंगल के अंदर आने के बाद ये बारगाह है और यही वो बारगाह है जिस बारगाह में शेर आता है सलामी देने के लिए। और शेर ही नहीं, यहाँ पर जंगल में जितने भी जानवर हैं यहाँ पर सरकार की बारगाह में आते रहते हैं, लेकिन ये हज़रत की करामत है कि उन जानवरों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ काफ़ी सारे बंदर वगैरह भी हैं। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी यहाँ पे पेड़ थे जो एक पेड़ में से एक पेड़ निकला हुआ है वो तमाम पेड़ हमने आपको दिखा दिए हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको इस तरफ लेकर के चलते हैं और ये जो पेड़ हैं आप ये पेड़ देख सकते हैं, इनमें जो है अक्षर वगैरह लिखा हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से मालूम करा है, हमें पता चला है कि इनमें जो अक्षर है आप देख सकते हैं इस पेड़ में ऊपर तलक लिखे हुए हैं। अब इस पेड़ की क्या करामत है ये तो जो यहाँ की खिदमत करते हैं वही बता सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे पेड़ में ऊपर तलक लिखा हुआ है। आइए ये जो भाई यहाँ पर खिदमत करते हैं इनसे पूछते हैं, ये जो भाई यहाँ पे खिदमत करते हैं इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई,
भाईजान ये जो पेड़ में लिखा हुआ है अलग ही है, ये एक पेड़, ये एक ही पेड़ ऐसा है या और भी पेड़ है? और भी पेड़ है, यो भी ऐसा ही है, यो भी पापड़ी का ही है, यो भी पापड़ी का, यो भी। हाँ, लेकिन इसमें करामात है बाबा की, इसमें बाबा की करामात है, बाबा की है ये अक्सर लिखे। पेड़ तो बहुत है ऐसे, ये सारे पेड़ ही है, मगर इसमें ही नाम हुआ, इसी में नाम होता है। इसी में इसी पेड़ में सिर्फ अक्सर लिखे हुए आते हैं और किसी और पेड़ में नहीं? नहीं, और में नहीं है, इसमें ही है, कुदरती है बाबा की। अच्छा, तो जैसा की करामात है, जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं कि ये बाबा की करामत है, इसी पेड़ में सिर्फ लिखे हुए आते हैं, जो पेड़ हमने आपको दिखाया अभी, और ऐसे तो पेड़ बहुत सारे हैं। ये वाला इतना बड़ा, जो सौ यो साल, हाँ जो इसकी जड़ में, वो पेड़ है पापड़ी का, हाँ वो भी पापड़ी का ही है, मगर इसमें नाम है, लेकिन इसी पेड़ में नाम है, इन सब में नहीं है? नो, कहीं में। तो जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं, सिर्फ इसी पेड़ में नाम लिखा हुआ है और किसी भी पेड़ में नहीं है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है भाई वो पेड़? चलो तो। वो भी बहुत मतलब मान जगह है, मतलब खूब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, उस पेड़ में? हाँ जी, मुंबई तो, का पेड़ है वो। जी जी, वो उसकी क्या करामत है चाचा? उसके ये है, जिसका बाय होती ना, हाँ तो बे घोड़े होकर बैठना पड़ता, तो बाय खींचता पेड़, आदमी को लंबा हो जा। अच्छा, पेड़ खींचता आदमी को? हाँ, मतलब बाय होगी। अच्छा, जिसको दर्द होगा? हाँ, जिसको दर्द होगा तो वो पेड़ के ऊपर अगर हाथ रखेगा तो वो पेड़ खींच लेगा, ऐसे बैठा जाएगा उसको, और वो जिसका बाय होगी तो बाय हाथ में मिल जाएगा जाके। अच्छा, पेड़ से अपने आप मिल जाएगा जाके, मतलब वो पेड़ खींच लेगा? हाँ जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो तीन चार बार आना पड़ता है। अच्छा, दो तीन बार उसमें पेड़ में जा करके इस तरह से करना पड़ता है? हाँ, बैठना पड़ता है, 15 मिनट बैठना पड़ता है। 15 मिनट के लिए वो आदमी को खींचता चला जाता है अपने आप, अपना आप पूरा लेट जाएगा और पेड़ पर हाथ चढ़ने लगेगा। सुभान अल्लाह। तो चल, बाय का दर्द है वो खींचता चला जाता है, बाय ठीक हो जाओ सर। तो चलिए हम आपको वो पेड़ भी दिखाते हैं, जैसा कि हमें चाचा बता रहे हैं कि जिनके पैर वगैरह में दर्द होता है तो वहाँ पर जाकर के अगर हाथ लगा के बैठने से, चाचा कह रहे हैं हमें कि वो पेड़ हमें अपने आप ही खींचेगा। तो इंशाल्लाह वो पेड़ कौन सा पेड़ है हम भी देख लेते हैं और हम आपको भी दिखाते हैं, ताकि आप अगर हज़रत खाकान शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़ियारत के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पेड़ के पास में भी आए, अगर आपकी कोई दर्द है तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे हमें चाचा बता रहे हैं। तो आइए, हम चाचा के साथ में अभी चल रहे हैं। ये हज़रत खाकान साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब का मंजर है, आप देख सकते हैं। बारगाह से हम लोग सीधा इस तरफ आए हैं और हमारे साथ में अभी चाचा मियां चल रहे हैं, हम इन्हीं के ज़रिए से इंशाल्लाह वो पेड़ हम आपको दिखाएंगे। और ये हज़रत की ही करामत है? जी हाँ, ये हज़रत की ही करामत है, इनकी दुआ से उस पेड़ में, जो इनकी दुआ से जितने भी लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, हज़रत खाकान साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं, वो तमाम लोग जिन्हें मालूम है वो उस पेड़ में जाते हैं, और उस पेड़ में जाने के बाद हज़रत की दुआ से, अल्लाह के करम से उनके जो दर्द है वो ठीक हो जाते हैं। जी हाँ जी, आइए, यहाँ को चलना पड़ेगा। तो अभी हम इस तरफ से चलेंगे, आप ये कपड़ा लाल बांध रहा ना? जी जी जी, निशान के लिए बांध रखा। अच्छा, ये निशान के लिए? हाँ, लाल कपड़ा। जी हाँ। तो अभी हम इस तरफ से चलेंगे, चाचा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो ऐसे बैठना पड़ता है? जी, ऐसा बैठना पड़ता है। जी जी। और जब जिसका बाय होगी तो जी पेड़ खींचता है। ये वही पेड़ है? ये पेड़ है जी। जी जी, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निशान बना हुआ है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर निशान बना हुआ है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के जरिए से, यहाँ पर निशान बना हुआ है। लोग जो भी यहाँ पर, जिनके बाएं के दर्द होता है, जिनके बाएं के दर्द होते हैं, वो यहाँ पर इस तरह से बैठते चाचा, इस तरह से बैठते हैं, और ये पेड़ जो है इस तरह से ये ऊपर की तरफ खींचता है जिनके दर्द है। महुआ नाम है इसका पेड़ जी। इस पेड़ की काय का पेड़ है? ये महुए का पेड़ है। तो ये जगह देख सकते हैं आप, और ये जो पेड़ है ये महुए का पेड़ है, जैसे हमें चाचा बता रहे हैं ये। और यहाँ पर देख लीजिए, जो लोग आते हैं ना यहाँ पे, लोग आने के बाद यहाँ पे अभी भी निशान बना हुआ है। जो लोग यहाँ पर आते हैं दर्द के, जो मरीज़ है वो जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अभी भी निशान बना हुआ है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं। और ये पेड़ हज़रत खाकान शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में है। तो दोस्तों, जो हज़रत खाकान शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में जो पेड़ है, जहाँ पर लोग वहाँ पर जा कर के पेड़ के सामने वहाँ पर हाथों को अपने बैठ करके आगे
वहाँ पे रखने से पेड़ जो है वो अपने आप ही खींच लेता है। जैसे कि अभी हमें चाचा ने बताया है, वो मैंने आपको पेड़ दिखा दिया है, वो पेड़ इस तरफ है। और अब हम लोग हज़रत खाकन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़्यारत के लिए जाएंगे, हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़्यारत के लिए जाएंगे। अभी हम लोग बारगाह के बिल्कुल ही करीब में आप गुम्बद मुबारक का मंज़र देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारी वीडियो में हज़रत खाकन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ खैर अजहर भाई करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम सरकार की बारगाह में आ गए हैं, गुम्बद शरीफ देख सकते हो आप। अभी चादर जो है अंदर चल के पेश करते हैं हज़रत की बारगाह में। आइए, मगरिब का वक्त हो रहा है, करीब करीब मगरिब की अजान होने वाली है। चलिए अंदर चलते हैं। अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलाम अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलाम अलैका या हुज़ूर। तो सरकार की बारगाह में चादर पेश करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। सरकार करम फरमाए, तोहफा कबूल फरमाए, हम गुनाहगार गुस्सा होगा। तो दोस्तों, अभी हज़रत की बारगाह में दुआ खैर नियाज फाता कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि वक्त भी मगरिब का हो रहा है करीब करीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. الفاتحة يا العالمين، يا پاک کلام میں نصف پڑھاس، پاک کلام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو پہنچا، اور اس مقام میں محمود پہ فائز فرما، جن کو ان سے تو نے وعدہ فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اس کا نذرانہ تمام انبیاء احترام، تمام ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ احترام، تمام اہل بیت، تمام تابعین تبع تابعین، تمام شہیدان اسلام، تمام شہیدان کربلا، تمام غوث، تمام ابدال، تمام دستگیر، تمام کتب، تمام خواجہ، تمام کلندر، تمام اولیاء اللہ، تمام مجذوب، تمام مومن و مومنات، تمام مسلم و مسلمات، اور تمام مرحومین کو اس کا نذرانہ درجہ بدرجہ پہنچا، بالخصوص اس پاک کلام کا نذرانہ جو صاحب مزار یہاں موجود ہیں، حضرت خاقان شاہ ولی، حضرت خاقان شاہ پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں پیش کر، ان کی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. مولا، جب پڑھنے میں جو بھی غلطی غصہ کی ہو، پڑھنے میں جو بھی غلطی غصہ کی ہو، اس کو معاف عطا فرما باری تعالیٰ. بے شک تیری ذات رحمان و رحیم، میرے مالک. اللہم انت السلام و منت السلام و علیک رجو السلام، حین ربنا و اسلام و ادخلنا الجنة دار اسلام، تبارک ربنا و تعالی تیا در جلال و الاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قین عذاب النار و قین عذاب القبر و قین عذاب الحشر و قین عذاب الدین و قین عذاب الدارین. یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں باری تعالی، ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. جو حضور خاقان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تیری بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. والا جہاں رکھ، تیرے دامن کے سائے میں رکھ، تمام پریشانیوں کو دور دفع عطا فرما میرے مولا. جتنے لوگ ان ویڈیو کے ذریعے سے،
इन तमाम ज़ियारतों में हमारी तमाम दुआओं में शामिल होता है, उनकी भी तमाम हाजत पूरी अता फरमा मौला, अपने वलियों के सदका तुफैल में अपने वलियों के वसीले से हमारे बेड़ा पार अता फरमा मौला, इनके घरों में बीमार है बीमारों को शफाए कामिल अता फरमा मौला, जो लोग बीमार है बीमारों को शफाए कामिल अता फरमा मौला, जिनके घर में कर्ज़दारी है कर्ज़दारी से निजात अता फरमा मौला, इनके घरों में बच्चे जवान हैं बच्चों के लिए नेक और साले रिश्ता अता फरमा मौला, जिनके जो लोग ना औलाद हैं उनके साहिब औलाद अता फरमा मौला, या हुज़ूर खाकान शाह साहब आपकी बारगाह हम गुलामों का सलाम कबूल अता फरमाए, हुज़ूर कदमों से कबूल अता फरमाए, हुज़ूर जहाँ रखिए हमारे को आपके दामन के सायम रखिए, तमाम बला बदतर से महफूज रखिए, बेशक आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह ने अपने तमाम ख़जाने आपके लिए खोल रखे हैं, हम उन ख़जानों पर हमको भी कुछ अता फरमाए सरकार, ईमान की दौलत से अता फरमाए सरकार, सिरात अल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए, रहमतों से बरकतों से नवाजी हो सरकार, या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह आइना बिज़्निल्लाह, मदद कीजिए हम सब की खुदा रफ़ी सबिल्लाह, बगर दाबे बलाफ्ता दकश्ती ज़ईफ़ानों शिकस्त सरात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चुश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चुश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चुश्ती, वकाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीब अल करीम, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, सल्लल्लाहु अस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत करा दिया हज़रत खाकन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिए शेयर कर दिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन की दबा दिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।